हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संतोषी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अब भी सुबह का 8:30 बज गया है और मैं आज 7:30 बजे उठी थी। बच्चों को स्कूल जाना था आज से, तो 7:30 बजे उठी थी। फिर अभी 8 बजे फ़ोन आया कि छुट्टियाँ और बढ़ गई हैं 9 तारीख तक के लिए, तो नहीं भेजूँगी। और देखिए, ये लोग सो रहे हैं। नन, स्कूल नहीं जाना बेटा? चंदन, राजवीर, स्कूल नहीं जाना? लेकिन सब लोग सो रहे हैं अभी। अभी छुट्टियां हैं तो 9 बजे तक हम बिस्तर में रहते हैं, और जब छुट्टियां नहीं होती हैं तो 8 बजे उठ जाते हैं। तो जैसे ही पता चला कि अभी छुट्टी और है, तो वापस बिस्तर में कवर हो गए। और अभी मैं उठ गई थी जल्दी, तो मैंने सोचा अपना काम ही कर लेती हूँ। अभी 8 बजे पानी आता है तो उसी पानी में धुल लिए। पानी थोड़ा गर्म आता है तो उसी में धुल लिए थे मैंने। ठीक है, ठीक है, ओके। वापस दब गए बिस्तर में। मैंने कल लगाई हूँ, किचन में आ गई हूँ मैं। और देखिए, सुबह मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, जब उठी थी तभी रख दिए थे, तो आलू बॉईल भी हो गए हैं। ये आलू उबल चुके हैं और बर्तन धुल दिए थे, तो सबका पानी गिर गया है। सारे बर्तन लगाने हैं अभी मुझे। कपड़े धुलने के काम हो गए हैं सारे काम। आज सुबह जल्दी उठ गई थी बच्चों को स्कूल भेजने की वजह से, तो सारे काम 8:30 बजे तक ही खत्म हो गए। वैसे तो हम 9 बजे के पहले कभी नहीं उठते ठंडी में, पर अभी बच्चों की छुट्टी है और आज से स्कूल लगने थे, पर स्कूल से फोन आया है कि अब छुट्टी और बढ़ गई है, तो फिर बच्चों को नहीं उठाया है मैंने। पर मैं उठ गई थी तो मैंने अपने काम कर लिए हैं सारे। बस नाश्ता बनाना बाकी रहता है, तो नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू पराठा, आपके साथ भी शेयर करूंगी। आलू छिल गए हैं अच्छे से, नए आलू हैं और अभी ठंडी का सीजन है, नए आलू हैं आते हैं, तो इसके आलू पराठा और भी अच्छे लगते हैं। नहीं, आलू उबाल लिए थे मैंने सुबह ही, तो आलू अच्छे से ठंडे हो गए हैं। और चलते हैं इसमें मसाले मिक्स करते हैं पराठों में। बहुत अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़े से इसमें जीरा कूट के डाल देंगे ना, और 2-3 धनिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और नमक। आटा मारते समय थोड़ा सा नमक आटा में डालेंगे। ये हो गए हमारे सारे मसाले और ये आलू। सब आलू को मैश कर लेंगे हम, क्योंकि जब आलू गर्म रहते हैं तो चिपचिपे से हो जाते हैं, इससे पराठा अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं ठंडे आलू से। जब भी पराठा बनाए तो उसमें ये जीरा कूटकर और अजवाइन जरूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मिला लेते हैं हम अपने सभी मसाले, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी नए आलू का सीजन है और नए आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छे नए आलू के पराठा लगते हैं ना, उतने अच्छे पुराने आलू के पराठा नहीं लगते हैं। और अभी ठंडियों के सीजन में आलू भी सस्ते मिलते हैं, तो हमने बना लिया है। इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया है, देखिए एकदम आटे की तरह हो गया है, बिल्कुल एक भी चिपचिपा नहीं है, देखिए। इसकी आलू टिक्की बनाना चाहे ना तो उसके लिए भी बहुत अच्छा बन गया है ये। देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए, एकदम आटे की तरह बन गया है, एक भी चिपचिपा नहीं है। अगर ठंडे आलू से बनाओ तो ये ऐसा रहता है, चिपचिपा नहीं होता है, देखिए। और गर्म आलू को अगर मिक्स करेंगे तो एकदम गीला गीला सा हो जाता है, चिपचिपा सा। पर ये देखिए आटे की तरह अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने आटा मार लिया हो। वैसे हमने आलू की लोइयां बना ली हैं। आलू पराठा बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं, तो कुछ मसाले हम आटे में भी डालेंगे, इससे हमारे आलू पराठा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको मैं क्या क्या डालती हूँ। आटा निकाल लूँ पहले, कि इतना आटा ले लिया है मैंने आलू पराठा बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे हम अपने बाकी के सारे मसाले, तो मैं बताती हूँ मैं इसमें क्या क्या मसाले डालूंगी। थोड़ा नमक डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी इसमें हम अजवाइन डालेंगे, इसमें भी अजवाइन डालेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। हमने इसमें भी अजवाइन डाली थी और कुटी हुई जीरा डाली थी, तो उससे तो टेस्ट अच्छा आएगा ही, पर जब आटा लगाते हैं ना, आटा मारते हैं, तो आटे में भी नमक और अजवाइन डाल दें तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो हमने इसमें अजवाइन डाल दी है, नमक डाल दिया है, इसे मिक्स कर देते हैं। और चलिए आटा लगा लेते हैं। भी आटा लगाओ, गरम पानी से लगाओ, तो बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनते हैं, रोटियां भी अच्छी सॉफ्ट बनती हैं गरम पानी के आटे से।
स्वेटर पहनने के बाद और बाजू ऊपर चढ़ा लेना, फिर करना हो गीले, एक भी मत होना, ठीक है? पानी गर्म नहीं हुआ है, लाइट नहीं है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, ठंडे से तो मैंने सारे कपड़े धुले हैं, अभी लाइट आई ही नहीं है, ये इन्वर्टर की लाइट चल रही है। और देखिए आटे की हमने सारी लोइयाँ बना के रख ली हैं, अब बीच में बार बार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आलू पराठे बन जाएंगे। और इसकी भी हमने सारी लोइयाँ बना के रख ली हैं, आलू की और आटे की भी सारी लोइयाँ बना ली हैं, तो फटाफट बनाते हैं आलू पराठा। निकल गए बेटा, मौसम तो अच्छा है, धूप निकल चुकी है, आप भी उठो और ब्रश करके आओ, ठीक है? फिर चलते हैं छत पर नाश्ता लेकर, तो वहीं करेंगे धूप में, ठीक है? प्लेट उठाओ, नीचे से प्लेट उठाओ, देती हूँ। तो सबसे पहला पराठा राजवीर खाएगा, राजवीर आ गया सबसे पहले, और ये पराठा राजवीर के लिए, ये लो बेटा। हाँ दूर, ये सारे पराठे बन गए हैं, ये आखिरी रहता है। आलू पराठा के साथ सब्जी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके लिए हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। टमाटर को भून कर बनाएंगे टमाटर की चटनी, बहुत टेस्टी लगती है। और आप एक बार टमाटर की चटनी टमाटर को भून कर बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए टमाटर को पहले भून लेते हैं। देखिए चटनी बनकर तैयार है, पराठा के साथ आज टमाटर की चटनी खाएंगे। ये मेरा नाश्ता लग चुका है, चलिए करते हैं नाश्ता, छत पर चलते हैं।